हेलो एंड एवरीवन, आई एम नवीन। स्वागत करता हूं आपका इजी सक्सेस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज पढ़ने वाले अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और अभिप्रेरणा में मैंने आपको तीन जो पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से प्रेरक, उद्दीपक और एक और था पुनर्बल। ठीक है, तो इन तीनों में से मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रेरक को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आज बाकी दो पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो थे, बचा हुआ जो दो पॉइंट्स थे अपने उद्दीपक स्टिमुलस और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो बात करते ही नहीं पर दो पर। पहले बात करेंगे अपन उद्दीपक स्टिमुलस। क्या होता है उद्दीपक? देखिए, जिस तरीके से अपन ने प्रेरक को डिस्कस किया था, ये तीनों ही पॉइंट्स अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मीन्स ये तीनों पॉइंट्स मिलकर अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। तीनों का योगदान होता है अभिप्रेरणा को बढ़ाने में। ठीक है, किसी कार्य को करवाने के लिए। तो प्रेरक को मैंने आपको बता दिया था, प्रेरक किसी क्रिया को उत्तेजित करने के लिए प्रेरक। ठीक है, तो सेकंड चीज आई थी उद्दीपक। उद्दीपक एक ऐसा निश्चित प्रेरक होता है जो किसी क्रिया को या किसी अनुभव को, किसी क्रिया को या किसी अनुभव को बढ़ा सकता है, वह उद्दीपक हुआ। पर ऐसे तो समझ में नहीं आया अपन को। देखिए, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं उसको। एक निश्चित प्रेरक हुआ जो क्रिया को बढ़ा रहा है या किसी व्यवहार को रिपीट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ये क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी मिठाई की दुकान पर गए और वहां पर आपको आपकी फेवरेट मिठाई दिखी जो आपको बहुत पसंद है, तो वो फेवरेट मिठाई दिखते ही आपका ध्यान उधर चला जाएगा, उस मिठाई की ओर। और वो मिठाई आपको कहीं पर भी दिखती है तो पहले सबसे पहले उस मिठाई पर ध्यान जाता है बजाय बाकी सब मिठाइयों को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो एक मिठाई आपके लिए एक उद्दीपक का काम करेगी क्योंकि वो मिठाई आपका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रही है। तो वो एक उद्दीपक हुआ आपके लिए, क्या? मिठाई। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट टाइप है उद्दीपक में। देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस, और सेकेंड टाइप है अस्वाभाविक उद्दीपक मींस कंडीशनल स्टिमुलस। क्या होता है दोनों में, या डिफरेंस क्या होता है दोनों में, दोनों को समझ लेते हैं। आपको बखूबी उद्दीपक तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अब देखिए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक मतलब जिसके स्वभाव में होता है क्रिया को उत्पन्न करना या क्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, क्रिया को प्रेरित करना जिसके स्वभाव में होता है स्वाभाविक उद्दीपक है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? जिसके स्वभाव में नहीं है क्रिया को प्रेरित करना, वो क्या करता है? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़कर क्रिया को प्रेरित करता है। अब फिर भी दोनों में समझने में कंफ्यूजन है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पानी, आपको अगर प्यास लग रही है तो आप पानी की ओर दौड़ते हो, तो पानी आपके लिए एक उद्दीपक है। और आपको समझ में, पानी आपके लिए उद्दीपक है, पर किस प्रकार का? स्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि पानी को देखते ही आप प्यास के लिए पानी की ओर दौड़ोगे, तो उसको देखकर ही आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है उस क्रिया को करने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए। तो इसका मीन्स पानी आपके लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक है क्योंकि ये आपकी प्यास बुझाएगी। ठीक है, क्लियर? अब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? एक कुआ है, आपको बहुत प्यास लगी है, आप जाते जा रहे हो और रास्ते में आपको एक कुआ दिखा, तो कुआ देखते ही आपके मन में क्या आया कि पानी अंदर होगा, और दौड़ते हुए कुएं के पास गए, चाहे पानी अंदर था ही नहीं पर कुएं की ओर आप आकर्षित हुए। तो आपकी जो प्यास थी उस क्रिया की ओर आपको किसने आकर्षित किया? अस्वाभाविक उद्दीपक ने। कुआ एक अस्वाभाविक उद्दीपक है क्योंकि आपके माइंड में क्या रहता है, कुएं के अंदर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो इसी तरीके से अस्वाभाविक उद्दीपक ऐसे उद्दीपक होते हैं जो वास्तव में स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक पानी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? अस्वाभाविक उद्दीपक कुआ। तो कुआ और पानी में ये कनेक्टिविटी है। क्लियर हुआ आपको? तो स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक में अपन ने दोनों में डिफरेंस देखा, यही होता है मेन उद्दीपक। अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। क्या होता है पुनर्बलन? देखिए, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। अगर उद्दीपक क्रिया से पहले हो रहा है तो उद्दीपक होगा, वो क्रिया के साथ या क्रिया के बाद हो रहा है
तो वो रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन होगा। कैसे? देखिए, अगर कोई क्रिया हो रही है उसके साथ में कोई उद्दीपक दिया जा रहा है उसको, या उसके बाद में दिया जा रहा है, तो ये दोनों रेनफोर्समेंट होंगे, मतलब पुनर्बलन होंगे उस क्रिया को बढ़ाने के लिए। फिर उसको आप उद्दीपक नहीं बोलोगे, उद्दीपक आपने क्रिया से पहले दिया। जैसे प्यासे को पानी दिखाया पहले, वो एक उद्दीपक का काम करेगा जिससे वो पानी पिएगा। आ रहा आपको समझ में? ये क्रिया के दौरान नहीं हो रहा है। क्रिया के दौरान क्या होता है वो अलग चीज होगी, वो अपन देखेंगे अभी। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उद्दीपक और रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन के बीच में बेसिक डिफरेंस बताता हूं। देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसे आप वो खाना खा नहीं रहा है, बार बार बोल रहे हो खाना खा ले और खाना खा नहीं रहा है। तो आपने उसको बोला खाना खाते हुए, वो खा रहा था पर जल्दी से नहीं खा रहा है, नाटक कर रहा है उसमें। तो आपने बोला बेटा जल्दी से समाप्त कर ले, एक चॉकलेट मिलेगी, उसको चॉकलेट दिखाया आपने। तो उस चॉकलेट के लिए उसने क्या किया, जल्दी जल्दी वो खाना समाप्त किया। तो या तो आपने चॉकलेट उसको खाना के साथ दी या खाना समाप्त करने के बाद दी। तो ये क्रिया के साथ में कुछ उद्दीपक आया है जिसने उस क्रिया को कंप्लीट करवाया है, जल्दी करवाया है, फास्ट भी करवाया और कंप्लीट भी करवाया। तो ये है एक उद्दीपक पर किस प्रकार का पुनर्बलन। पर अगर किसी बच्चे को भूख लग रही हो और आप चॉकलेट दिखाते हो, उसको पास में बुलाते हो और उसको चॉकलेट देते हो, तो ये क्रिया से पहले वाला उद्दीपक है, मीन्स ये उद्दीपक है। और बाद जो पहले एग्जाम्पल दिया मैंने वो कौन सा है, पुनर्बलन का। दो टाइप के पुनर्बलन होते हैं, देखिए कौन कौन से है। पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन होता है जो क्रिया की सही दरों को बढ़ाता है, सही अभिक्रियाओं को बढ़ाता है। और नकारात्मक क्या होता है? सही अभिक्रियाओं को कम करता है। तो क्या डिफरेंस हुआ बेसिक? फिर वापस से एग्जांपल की ओर बात करते हैं। अगर बच्चों को आपने पढ़ने के लिए कुछ बोला और बोला कि जो सबसे पहले कंप्लीट करके लर्न करके बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, तो एक तरीके से सकारात्मक हुआ। पर आपने अगर उनको किसी टाइप के पनिशमेंट के लिए बोल दिया, तो ये किस प्रकार का हो गया? नकारात्मक पुनर्बलन। दोनों से रिपीटाइज तो बढ़ेगा, उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, पर क्या होगा, सही अनुक्रियाएं वहां पर सकारात्मक में ज्यादा होगी और यहां सही अनुक्रियाएं कम होगी। हो सकता है डर के कारण बच्चे क्या कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। सही अनुक्रियाएं कम हुई, उन्होंने कंप्लीट तो किया पर सही तरीके से नहीं, और वहां पर सकारात्मक हमेशा सही अनुक्रियाओं को बढ़ाएगा और नकारात्मक जो पुनर्बलन होगा सही अनुक्रियाओं को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर हमें कंप्लीट समझ में आए, ताकि मुझे आगे की क्लास के लिए पता चले कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। ओके, थैंक यू।